बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी हुई है। एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी अपनी फिल्म डार्लिंग्स के प्रमोशन के लिए जगह जगह पहुंच रही हैं, जहां से उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में आलिया अपने पति रणबीर कपूर की शिकायत करती हुई नजर आई है, जो इस समय चर्चा में आ गया है। आलिया ने अपने इस बयान में क्या कहा है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान जब आलिया से पूछा गया कि प्रेगनेंसी में रणबीर कपूर किस तरह एक्ट्रेस की देखभाल कर रही हैं, जिसके जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं, वह हमेशा मेरी अच्छी देखभाल करते हैं, अब वो और भी सावधान हो गए हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो मेरे पैरों की मालिश करते हैं, तो वो नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे स्पेशल फील कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब वो पहले से ज्यादा करते हैं। आलिया के इस बयान को सुनने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं इसके अलावा आलिया से ये भी पूछा गया कि क्या उनकी माँ सोनी राजदान और सासू माँ नीतू कपूर भी उनका खास ख्याल रख रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा वो लगातार काम कर रही हैं और अभी उनके ख्याल रखने के लिए समय है। एक्ट्रेस कहती हैं, मैं हाल ही में लंदन में 3 महीने के शूटिंग शेड्यूल से लौट रही हूँ और मुझे दाल चावल की बहुत याद आई, तो मुझे कोई मिल गया जो मेरे लिए दाल चावल और पोहा बना सके। मुझे नाश्ते में पोहा बहुत पसंद है, मैंने वहाँ ऑमलेट बनाना भी सीखा। खैर, बात कर ली जाए आलिया की इस अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स की, तो यह आने वाली 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। जसमीत केरीन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें आप आलिया के साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू और राजेश शर्मा को लीड रोल में देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।